हेलो गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे देश के तीनों सेनाओं के सैल्यूट करने का तरीका अलग अलग होते हैं। भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के सैल्यूट करने का तरीका अपनी हथेली को माथे पे लगाकर हमेशा खुले हाथ से सलामी करना है। सारी उंगलियां सामने की ओर खुली रहती है और अंगूठा साथ में खुला होता है। यह अपने सीनियर के प्रति सम्मान को जताने का तरीका है। साथ ही यह तरीका यह भी जताता है कि उनके पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं है और आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के सलामी देने का तरीका खुली हथेली को 45 डिग्री के एंगल पर झुकाकर किया जाता है, जो इस सेना की आसमान की तरफ प्रगति को दर्शाता है। मार्च 2006 से पहले एयरफोर्स के सैल्यूट करने का तरीका इंडियन आर्मी की तरह ही था, पर मार्च 2006 के बाद इसे बदल दिया गया। इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के सलामी देने का तरीका खुली हथेली को जमीन की तरफ रख के किया जाता है। इस सलामी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि पुराने समय में जवानों के हाथ काम करते हुए गंदे हुआ करते थे, तो वह कुछ इस तरह से अपने सीनियर को सलामी देते थे ताकि उन्हें अपमानित ना होना पड़े। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।